लोन दिलाने का झांसा देकर महिलाओं से 10-10 हजार रुपए की ठगी, पैसे लेकर जालसाज फरार। शिवपुरी जिले में लोन दिलाने के नाम पर शहर के अलग अलग स्थानों पर रहने वाली दर्जन भर से अधिक महिलाओं से 10-10 हजार रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। रविवार को महिलाओं ने कोतवाली थाने पहुंचकर जालसाज के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है। जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र की रहने वाली मोनिका नामदेव, सुरभि वर्मा, रेखा वर्मा, गीता आदि ने बताया कि दीपक पुत्र प्रभुदयाल सोनी निवासी नंबर 1 जल मंदिर रोड पोहरी हाल निवासी सुभाष कॉलोनी आसमानी माता मंदिर के पास शिवपुरी ने पर्सनल और व्यवसायिक लोन दिलाने का झांसा देकर फाइल खर्चे का बोलकर प्रत्येक महिला से 10-10 हजार रुपए एवं समस्त दस्तावेज के लिए, लेकिन दीपक सोनी द्वारा ना तो लोन दिलाया गया और ना ही दिए गए पैसे वापस किए जा रहे, जिसके बाद आज महिलाओं ने पुलिस से शिकायत करते हुए जालसाज दीपक सोनी के खिलाफ कार्यवाही और पैसे वापस दिलाए जाने की मांग की है। मैं जी आपका मैं कहाँ रहती हैं आप? मैं क्या समस्या लेके आई हैं आज कोतवाली में? भैया हमारे साथ है ना बहुत मतलब किस तरह का हमसे लोन के नाम पर एक व्यक्ति दीपक सोनी पर 10-10 हजार रुपये ले गया एडवांस और हम सभी लोगों ने उससे ब्याज से ले लेके उसको पेमेंट दिया। आज 3 महीने हो गया, 3 महीने से कोई कार्रवाई नहीं की। जब हमें हार पच के पुलिस की शरणागत ली है और हम तो बिलीव रखते हैं और पूरे शहर में से ले गया कि आपकी कॉलोनी में हमारी कॉलोनी में से और हमारे जो रिलेशन वाले थे मिलने वाले थे उनसे ले गए। कितने लोग होंगे तकरीबन? 10-12 लोग होंगे सर। तो हम बस यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा लोन किस चीज़ में लग रहा था आपको? लोन हम लोग अपने अपना पर्सनल ले रहे थे 10 साल के लिए सभी लोग, तो किसी को 5 का, किसी को 3 का, किसी को 2 का, इस तरीके से बोलकर उसने सभी लोगों से पैसा लिया। तो दीपक सोनी कहाँ का है ये? दीपक सोनी पौड़ी का रहने वाला। आप कैसे जानते थे? यहाँ पर वो आसमानी माता पर रेंट पर रहता है और हम भी उसी जगह रेंट पर रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो इस तरीके से उससे हमारी जान पहचान हुई और जान पहचान होकर उसने हमारे साथ ऑफर रखा कि मैं आपका काम करवा दूंगा, आप मेरे को इतना पेमेंट दे दूंगा। तो इसलिए हमने उसको बोल दिया, फिर जो हम जुड़े तो हमने उन को भी जुड़वा दिया। अब वो सारे सब लोग हम पर ही। अब कहाँ फरार रहे गए कहीं? अब सर उसको फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन अटेंड नहीं करता। और एक दिन हमने उसको पकड़ भी लिया था तो उसकी बहन आई, तो उसकी बहन ने बोला कि आप इसको मारो मत, वो इसको छोड़ दो और इसका पैसा धीरे धीरे मैं निकलवाऊंगा। मैं हमने बोला आप दोगे? हमने बोला मैं तो नहीं दूंगी क्योंकि मैंने आपसे नहीं लिया, लेकिन ज़्यादा तक वहाँ रहे कि मैं इससे आपका पैसा दिलवा दूँ। क्या करता है दीपक सोनी? सर KCC का काम करता था, वो एजेंट था, ये ब्रोकर था, तो ये काम करता था।